हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 20, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कई सारे पिक्चर्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पर, इट वॉज दीपिका'स बर्थडे, शी हैड इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स टू हर हाउस। When her friends came, she put on music at a loud volume and all of them began to dance and have fun. तो देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे दीपिका का बर्थडे है और ये अपने फ्रेंड्स को उन्होंने क्या किया है, इन्वाइट किया है अपने घर पे, और म्यूज़िक क्या कर दिया है यहाँ पे, चालू कर दिया है, और लाउड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी तेज़ है, और यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं। देन हम सेकेंड पिक्चर देखेंगे, हर नेबर वॉज एन एल्डरली पर्सन, ही सफर्ड फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, ही कुड नॉट टॉलरेट वेरी लाउड म्यूज़िक। तो देखिए उनके पड़ोस में जो ओल्ड पीपल है, यहाँ पे जो ओल्ड पर्सन है, इनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और ये ज़्यादा देर तक ऐसे लाउड म्यूज़िक को नहीं सुन सकते। देन थर्ड आप पिक्चर देखेंगे यहाँ पे, ही आस्क दीपिका टू टर्न डाउन दी वॉल्यूम, और ये दीपिका के घर पे आते हैं और दीपिका को बोलते हैं कि वो अपनी जो म्यूज़िक का वॉल्यूम है उसे कम कर दे। दीपिका रियलाइज दैट ही वॉज सफरिंग बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूज़िक, और यहाँ पे दीपिका को रियलाइज़ हो जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है लाउड म्यूज़िक के कारण। शी टर्न डाउन दी वॉल्यूम एट वंस, और वो क्या कर देती है, यहाँ पे वॉल्यूम टर्न कर देती है, कम कर देती है। देन नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंड ही रियलाइज हिज मिस्टेक। तो क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, राहुल्स ग्रैंड मदर यूज टू वेट फॉर हिम टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल एवरी डे, वेन ही रिटर्न शी वुड गिव हिम समथिंग टू ईट। तो देखिए यहाँ पे जो राहुल है, ये जब स्कूल से वापस आता है तो उसकी जो ग्रैंड मदर है ये क्या करती है, उसका वेट करती रहती है कि वो कब आएगा, और जब वो वापस आता है स्कूल से तो उसे खाने के लिए कुछ देती है यहाँ पे, एंड शी आस्क हिम अबाउट वॉट हैड हैपन इन स्कूल दैट डे, और ग्रैंड मदर उसे पूछती भी है कि स्कूल में तुमने आज क्या क्या किया, क्या हुआ। एज फॉर राहुल, ही कुडंट वेंट टू फिनिश ईटिंग एंड वॉच कार्टून्स ऑन टीवी। लेकिन यहाँ पे राहुल को इतनी जल्दी होती है कि कैसे करके जल्दी से घर पे आएंगे और खाना जल्दी से फिनिश करके क्या करेगा, कार्टून देखने के लिए चला जाएगा। ग्रैंड मदर फेल्ट वेरी बैड दैट राहुल डिडंट टॉक टू हर प्रॉपरली, और यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है राहुल की, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि राहुल उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है और अच्छे से बात नहीं करता है, खाने के बाद सीधा टीवी देखने चला जाता है। When Rahul's parents noticed this, they also felt bad about it. और ये बात जब राहुल के पेरेंट्स को पता चलती है, वो जब नोटिस करते हैं कि राहुल उसके जो ग्रैंड मदर है उनके साथ ठीक से बात नहीं करता है और घर पे आने के बाद सीधा कार्टून देखने चला जाता है, तो उन्हें भी यहाँ पे बुरा लगता है। वन डे राहुल्स फादर एक्सप्लेन टू हिम हाउ हिज बिहेवियर हर्ट हिज ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे राहुल के जो फादर होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं राहुल को कि उसका जो बिहेवियर है उसके कारण ग्रैंड मदर को काफ़ी बुरा लगता है। राहुल रियलाइज हिज मिस्टेक, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही बिगेन टू टॉक टू हिज ग्रैंड मदर लविंगली। और यहाँ पे जब राहुल को रियलाइज़ हो जाती है उसकी मिस्टेक, तो वो क्या करता है यहाँ पे, उसके बाद से रोज़ जब घर पे आता है तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अच्छे से बात करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर देखे भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनको भी अच्छा लगता है जब हम लोग उनसे ठीक से बात करते हैं, तो आपको भी ये करना चाहिए। देन नेक्स्ट आपको दिया है, कैन यू टेल में डिस्कस बोथ द अबो इंसिडेंट इन क्लास। जो भी हमने यहाँ पे इंसिडेंट देखे हैं उनको आप क्लास में डिस्कस करोगे कैसे। व्हाई वाज राहुल्स एंड दीपिकाज बिहेवियर रॉन्ग। तो आपको क्यों लगता है कि राहुल या और दीपिका है इनका बिहेवियर रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों भी क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी को हर्ट कर रहे हैं। जैसे कि दीपिका जो है इसने लाउड म्यूज़िक चलाया है जिसके कारण उनके पड़ोसी को तकलीफ हो रही है, और यहाँ पे जो राहुल है ठीक से बात नहीं करता, इसके लिए ग्रैंड मदर भी हर्ट हुई है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है ये रॉन्ग है। हाउ डिड दे करेक्ट देयर मिस्टेक, और उन्होंने किस तरीके से अपनी मिस्टेक करेक्ट की ये भी हमने देखा। आर देयर ओल्ड पीपल लिविंग इन योर होम और नेबरहुड, तो ये आपको भी सोचना है कि आपके भी आजू बाजू में ऐसे लोग ओल्ड पीपल है क्या। व्हाट हेल्प कैन यू ऑफर टू देम, और आप किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये पॉइंट है कुछ जिनको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो। वी ऑल आइदर लिव विथ और आर रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, तो देखिए हमारे साथ ओल्ड पीपल रहते हैं या फिर हमारे आजू बाजू में भी लोग ऐसे होते हैं। दे लव अस एंड पैम्पर अस, और वो लोग हमें प्यार करते हैं और हमें संभालते भी है। हाउ एवर दे कैन नॉट टर्न अबाउट एंड प्ले लाइक अस, और जो ओल्ड पीपल होते हैं
हैं वो हमारी तरह से तो काम नहीं कर सकते जल्दी जल्दी से, या फिर भाग नहीं सकते हैं जैसे कि हम लोग फटाफट काम करते तो वो नहीं कर पाते हैं। दे ऑफन नीड स्मॉल टास्क डन फॉर देम लाइक फेचिंग मेडिसिन और अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम लॉब्स और थ्रेडिंग नीडल्स। तो देखिए जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे कि मेडिसिन या फिर कोई प्रोडक्ट उन्हें मार्केट से लाना है तो वो जल्दी से नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ होती है घर से कहाँ से निकालनी है उन्हें, या फिर जो नीडल्स होती है उनमें अगर उन्हें थ्रेड डालना है तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी कैरी आउट दिस टास्क फॉर देम इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू देम। अगर ये छोटी छोटी बातें भी हम लोग उनके लिए कर देंगे तो उनकी काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाती है। इफ़ द टीवी और म्यूजिक इज़ प्लेड लाउडली इट कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम। अगर हम लोग जोर से टीवी लगाते हैं म्यूज़िक लगाते हैं तो वो जो लाउडली आवाज़ आती है उनके कारण वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एट सच टाइम्स वी मस्ट लोअर दी वॉल्यूम। और ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए कि वॉल्यूम हमेशा कम रखना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑफन एट होम ऑल डे, देयर ओनली पास टाइम इज टेकिंग टू देयर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो देखिए जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं पूरा दिन घर पे ही रहते हैं तो उनका जो टाइम होता है कैसे जाएगा कि उनके जो बच्चे हैं या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ बात करके ही उनका टाइम जा सकता है। दे आर क्यूरियस अबाउट व्हाट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डू एट स्कूल ऑल डे। और ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा लगता है, क्यूरियस होते हैं वो कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ये स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है क्या करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है जानने के लिए। दे हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, दे फील हैप्पी व्हेन वी स्पीक टू देम लविंगली। वो लोग हैप्पी हो जाते हैं अगर हम थोड़ी सी भी अच्छे से उनसे बात करते हैं। तो आप सबको ये करना चाहिए अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश कीजिए तो उन्हें अच्छा लगेगा। इफ समवन एट होम और इन द नेबरहुड इज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस व्हाट शुड यू डू। अगर आपके नेबरहुड में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कोई इलनेस से बीमार है तो आप क्या कर सकते हो। पुट अ राइट इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट यू एग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल के जैसे दिख रहा है एक एक स्टेटमेंट दिया है, अगर वो स्टेटमेंट आपको सही लगता है तो आपको राइट टिक करनी है, अगर वो गलत लगता है तो वहाँ पे आपको गलत जो मार्क है रॉन्ग मार्क उसे लगाना है अगर आप डिसएग्री होते हो। तो फर्स्ट आपको दिया है वी शुड विजिट द पेशेंट फ्रिक्वेंटली एट एनी ऑड आवर। तो देखिए अगर कोई पेशेंट है तो उसको कभी भी जाके हम मिल सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको कौन सी टिक लगानी होगी, इस तरीके से रॉन्ग टिक। सेकेंड है द पेशेंट शुड बी गिवन मेडिसिन एट द प्रॉपर टाइम्स। तो ये क्या है, सही बात है, हम लोग एग्री है तो यहाँ पे राइट टिक। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं एक के बाद एक और वहाँ पे राइट टिक, या फिर आप अगर डिसएग्री होते हैं तो रॉन्ग वहाँ पे लिखना है। थर्ड दिया है द पेशेंट शुड बी ऑफर्ड फ्राइड फूड। तो आप पेशेंट को फ्राइड फूड ऑफर करोगे क्या, तली हुई जो चीज़ होती है उसको पेशेंट को दोगे क्या आप, नहीं। तो यहाँ पे रॉन्ग करना है। द पेशेंट शुड नॉट बी गिवन अनवांटेड एडवाइस। तो ये भी क्या आएगा, पेशेंट को आपको कभी भी अनवांटेड एडवाइस करनी चाहिए क्या, नहीं। तो यहाँ पे वही दिया है कि शुड नॉट बी गिवन, हमको नहीं देनी है अनवांटेड एडवाइस, तो ये राइट आएगा। द पेशेंट मस्ट बी गिवन मील्स एट द राइट टाइम। तो जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो खाना हम देंगे ये राइट टाइम पे ही देना चाहिए, तो ये भी राइट है। वन कैन वॉच टीवी एट अ लाउड वॉल्यूम इन अ पेशेंट रूम। तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं करना है, तो ये रॉन्ग है कि पेशेंट के रूम में हमें लाउड वॉल्यूम बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे वो टीवी हो मोबाइल हो कोई भी चीज़ हो, हमें वॉल्यूम लाउड नहीं रखना है। द पेशेंट मस्ट बी बाथ ओनली एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। हाँ तो ये सही आएगा कि अगर डॉक्टर्स ने बोला है उनके ऑर्डर के थ्रू ही हमें काम करना होता है पेशेंट के लिए। When the patient is better, medicine should be stopped immediately without consulting the doctor. तो ये wrong है क्योंकि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन देनी है या फिर स्टॉप करना है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही सोचना होता है, तो ये भी wrong है। We all wish for a patient to get well soon. For this, we should follow the doctor's advice and take care accordingly. After giving first aid for injuries, the patient must be taken straight to a hospital or a primary health center. तो देखिए हम लोग पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ विश कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। हमें जो डॉक्टर्स के एडवाइस होते हैं, जो डॉक्टर हमें बोलते हैं केयर करने के लिए, वो हमें साथ करनी चाहिए। विश देने सिर्फ से हम विश कर सकते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ तो उसे और जल्दी ठीक होंगे क्या, नहीं। तो डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, जो मेडिसिन वो लोग हमें देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो भी करना चाहिए। और अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाती है तो हमारे घर में अगर फर्स्ट एड है तो हमें उसे यूज़ करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद सीधा हमें हॉस्पिटल या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर जानी चाहिए।
डू नॉट डिपेंड ऑन टैलिस्मैन्स एमुलेट्स एंड इनकैंटेशंस, कंसल्ट अ डॉक्टर ऑन टाइम। कोई भी जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं या जो अदर लोग होते हैं उनसे कंसल्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, सीधा डॉक्टर के पास जाके हमें कंसल्ट करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पीपल विथ स्पेशल नीड्स, जिन लोगों को स्पेशल नीड्स होती है उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें दिया हुआ है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए स्टूडेंट, तभी आपको ये जो पूरा लेसन है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।